लड़का और लड़की के मेंटेलिटी में अंतर होता है। लड़का ये चाहता है ना कि उसको ऐसी लड़की मिले। है? लड़की से एकदम ध्यान से सुन रही थी। लड़का से ज्यादा ये बात को लड़की ध्यान से सुन रही थी। कौन सी खोजता है रे? बता दे कि नहीं। देखो कहते यस सर। लड़का की मेंटेलिटी खराब ये होती है कि वो ये सोचता है कि जो उसे लड़की मिले, मतलब लड़का सोचता है ना कि हम लड़की के जीवन का पहला प्यार बने। बट लड़की ऐसा नहीं सोचती, वो ये सोचती है कि हमको जैसा भी लड़का मिले, हम उस लड़के के जीवन, हम उसके जीवन के आखिरी प्रेम बने। मतलब हमारी बात कोनो के चक्कर में ना जाए वहां पे ला तो, मतलब उसको अगर कोई लड़का जाकर कहता देख भैया हम ओकरा चक्कर में पड़ल थे, माफ कर दे, तोरा बाद हम कोनो को ना देखेंगे, तो खुश हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एकरा बाद ना फुल स्टॉप मारिए। अगर कोनो लड़का से आके ओकर पत्नी कह देगी कि ब्याह से पहले हम ओकरा से फसल, तो उससे जिंदगी भर ओकरा से उठल लगेगा। इसलिए लड़की लोग को कहते हैं जीवन में कुछ हो जाए बताना ही नहीं है कि कोना से फसल थे। सही बताते, ये लड़कों की मेंटेलिटी है बाबू, ये मेंटेलिटी है। अगर वो जान गया तो जिंदगी भर ससुराल रगड़ेगा, मतलब बात तो घुस जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, कितनों कसम दे दे, माँ बाप बेटा कुछ कसम दे दे, आपन कसम दे, भाड़ में जा ससुराल। कसम एक रसम है, कसम क्या है? रसम। अगर कसमें सच होती तो सबसे पहले खुदा मरता, भगवान की कसम ऐसे, भगवान की कसम ऐसे। ससुराल इतना ना लोगों ने कसम खाया भगवान का कि भगवान अजर और अमर हो गया। और लोग कहते हैं कि कसम खाने से लोग मर जाते हैं, हमको तो लगता है जितना कसम खाओगे आदमी अमर हो जाता है। इसलिए कभी नहीं बताना है, और ये भी नहीं कहना है कि नहीं था, बीच बीच में से निकाल हमको पसंद था लेकिन। अरे साफे ना बोलेगा तो बवाल ना हो जाएगा, लड़कवा बोख है का, बहुत पसंद था लेकिन बहुत खचरा था, दूसरे के चक्कर में था, फिर हम कसमें खा लिए कि हम किसी और को देखबे नहीं करेंगे। ओ माय गॉड कितनी अच्छी लड़की है, चलो ध्यान दे। अरे ये सब ज्ञान तोरा कौन देगा? समझा गया कि नहीं? देखो भाई, पढ़ाते पढ़ाते हम कुछ चीजें बहुत सीरियस बता देते हैं, जीवन में उसको हमेशा अपनाइएगा। लो लड़की लोग को बताए ना, एकदम कसम खा लो ससुराल, ना 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 कुछ ना होता है कसम खाने से। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब ने कहा था कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा झूठ बोलता है तो देखना कि वो बात बात पे कसमें बहुत ज्यादा खाएगा। जैसे विष्णु भगवान के अवतार राम जी वैसे वो है, तो भाई जो भी धार्मिक बात बोला गया कुछ सोच समझ के बोला गया। और ये देखिएगा जो बात बात पे कसम खाएगा ना बहुत झूठ बोलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अल्लाह कसम खाता, हाँ हाँ हाँ।